हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममा गाइड। आज का वीडियो छोटे बच्चों के योगा और एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो है। जैसे कि आपको पता है, योगा या एक्सरसाइज बड़ों के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, बच्चों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। उससे बच्चे फिट, एक्टिव और हेल्दी रहते हैं। आज की पैंडेमिक सिचुएशन तो आप बहुत जानते हैं कितनी खराब हो चुकी है, और बड़ों को भी योगा करने की ज़रूरत है और बच्चों को भी। बच्चों की तो आपको पता है वैक्सीन या मेडिसिन भी नहीं आई है। बच्चों को हम कैसे हेल्दी कर सकें, वो हम योगा या एक्सरसाइज से बच्चों को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं। आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि कुछ बच्चों को एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है। तो इन सब से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि छोटे से ही बच्चों की योगा करने की आदत डालें, बच्चे की ये आदत बड़े तक रहे और बच्चे फिट और एक्टिव हो सकें। तो फ्रेंड्स, योगा के छोटे बच्चों में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और छोटे बच्चों को किस तरीके से योगा करने की आदत डाली जाए, किस तरीके से योगा कराया जाए, उसके कुछ मेरे पास टिप्स और ट्रिक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब शुरू करते हैं। तो पेरेंट्स, मैं बात कर रही हूँ जैसे जो 8 ईयर या 8 ईयर प्लस के बच्चे हैं, उनको तो हम थोड़ा बहुत सिखा देते हैं या थोड़ा डांट देते हैं या थोड़ा समझा देते हैं कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, आपको करना चाहिए, तो वो करने लगते हैं। बट जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 3-4 साल के बच्चे, उनको तो आप कितना भी समझाइए कुछ भी समझ में नहीं आता है। उनको जो करना है वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो उन बच्चों को हम कैसे आदत डालाएं योगा या एक्सरसाइज करने की, उसके कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप जानिए कि छोटे बच्चों में योगा के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पेरेंट्स, योगा बच्चों के एंजाइटी को मैनेज करता है, उनके इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव करता है, बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करता है, उनकी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, बच्चे को एक्टिव रखता है, फिट रखता है और हेल्दी रखता है, और बहुत सारी बीमारियों से बच्चों को बचाता है। योगा इन्हेंस करता है बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन को और मेमोरी को। योगा बच्चों को डिसिप्लिन सिखाता है और रिड्यूस करता है इम्पल्सिविटी। तो ये सारे कुछ बेनिफिट्स थे योगा के। अब मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को, 3 ईयर या 3 ईयर प्लस के बच्चों को किस तरीके से योगा सिखाएं। तो पेरेंट्स, आपने देखा होगा कि जो इतने छोटे बच्चे होते हैं, 3-4 साल के बच्चे होते हैं, वो जो पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे करते हैं। जैसे कि अगर वो अपने पापा को देख लेते हैं कि वो बैग लेके ऑफिस जा रहे हैं, तो उसी तरह एक्ट करने लगते हैं कि मैं भी बैग लेके, वो भी अपना बैग उठाते हैं और बोलते हैं कि मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। और अगर वो मम्मा को देखते हैं कोई भी काम करते हुए, किचन में खाना बनाते हुए या रोटी बनाते हुए, तो वो बोलते हैं कि मैं भी रोटी बनाऊंगा, मैं भी ये काम करूंगा, वो भी ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह आपको योगा में करना है। अगर आपको बच्चों को योगा सिखाना है तो आपको रेगुलर योगा करना होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो भी बच्चे के सामने करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डे योगा बच्चे के सामने करें और वो तुरंत करने लगे, ऐसा नहीं है। आपको उसके साथ कंटिन्यू योगा करना होगा, वो करे चाहे ना करे। आप देखेंगे 2-4 दिन तो वो आपको बैठ के देखेगा, उसके बाद उसको लगेगा कि हाँ, मम्मा मेरी करती है या मेरे पापा करते हैं तो मैं भी करूँ, वो अपने आप आके करना शुरू कर देगा। उससे जिस तरीके का योगा बनेगा वो उस तरीके से करेगा, बट वो करना ज़रूर शुरू करेगा। तो आप बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करो कि इतने टाइम पे करो, ये करो। जिस तरीके से बच्चा कर रहा है आप उस तरीके से उसे करने दें, और उसके हर एक योगा में, हर एक एक्सरसाइज में आप उसको अप्रिशिएट करें, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। आप बच्चे के साथ कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं, जैसे मैं विहान के साथ, जैसे वो अपने
पापा के साथ करता है, तो मैं विहान के साथ कंपटीशन कर देती हूँ कि देखना पापा से अच्छे से नहीं बनेगा, विहान से देखना बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो वो उसको और इंटरेस्ट आता है करने में कि मैं करके दिखाऊं, देखना मामा मेरे से बनने लगा, पापा से नहीं बनता है, देखा मामा मेरे से बनने लगा। तो इस तरीके से बच्चों को एक कॉम्पिटिशन की भावना अंदर से आएगी और बच्चे और जल्दी जल्दी सीखेंगे। और विहान कोई भी योगा करता है, मैं उसको एप्रिशिएट जरूर करती हूँ, वो किस तरीके किसी भी तरीके का करे वो, बट मैं उसको एप्रिशिएट जरूर करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा किया है, आपसे तो बहुत अच्छा बनता है। तो उसको और इंटरेस्ट आता है कि वाओ मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मैं अभी और सीखूंगा, मैं और करूंगा। और अगर बच्चा आपके साथ योगा करने लगा है, धीरे धीरे आप उसका टाइम बढ़ाएं और ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे ने शुरुआत की है योगा करने की, तो जिस तरीके से वो कर रहा है आप उसे उस तरीके से करने दें, बट ये ध्यान ज़रूर रखें कि उसके हाथ या पैर गलत डायरेक्शन में तो नहीं मुड़ रहे हैं, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी आपको ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे वो करेगा, उसको परफेक्शन आ जाएगा। उसको आप बिल्कुल ये फील नहीं होने दो कि ये चीज़ करनी ज़रूरी है। आप एक उसके साथ गेम की तरह योगा या एक्सरसाइज करिए, जैसे पेरेंट्स बच्चे के साथ गेम खेलते हैं, बच्चों को कितना इंटरेस्ट आता है, उसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। उसके साथ कंपटीशन करिए कि देखो कौन फर्स्ट आता है, कौन सबसे पहले करता है, बच्चे को जरूर इंटरेस्ट आएगा। बट आपको योगा रोज करना पड़ेगा, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, और अगर आप रोज नहीं करोगे तो आपका बच्चा भी रोज नहीं करेगा, क्योंकि वो छोटा है, वो आपको नहीं देखेगा तो वो नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कुछ ट्रिक्स थी, आप ये ट्रिक्स अपने बच्चे के साथ ज़रूर यूज़ करिएगा, और फिर कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही। तो कुछ वीडियोस मैंने विहान के लिए हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप कुछ क्लिप्स देखिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।